का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आप सब लोगों को यहाँ पे बाथरूम फिटिंग की सारी एसेसरीज मिलने वाली है। तीसरा है हमारा एनवी डिजिटल एजुकेशन करके है। कंपनी यहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एजुकेशन देती है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, वेब डिजाइन का कोर्स है, और ये सारे कोर्स कंपनी आपको लाइव सिखाती है, कोई सीडी या डीवीडी देकर नहीं सिखाती है। चौथा है हमारा रोड टू बॉलीवुड करके है। कंपनी यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाती है। जैसे आप टीवी में देखते हो ना, डांस इंडिया डांस का शो है, सिंगिंग का शो है, उसी तरह कंपनी यहाँ पे क्या इवेंट भी चलाती है। और एक बार आपके घर पर कोई पार्टी या फंक्शन वगैरह हो, आपको बॉलीवुड की सेलिब्रिटी को इनवाइट करना हो, तो आप रोड टू बॉलीवुड के माध्यम से उसे आप इनवाइट कर सकते हो। आप यहाँ पे उसकी जो फीस होगी ना, वो आपको पे करनी पड़ेगी। फिर पांचवा है हमारा द रूबिक करके है। कंपनी यहाँ पे आपको आईटी सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है। मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट बनवाना हो या फिर एप्लीकेशन बनवानी हो, तो कंपनी आपको मार्केट से कम रेट में एप्लीकेशन और वेबसाइट बना के देती है, वो भी अच्छी क्वालिटी की। फिर छठा है हमारा मेरी प्रॉपर्टी करके है। एक कंपनी का खुद का सर्च इंजिन है। पूरे इंडिया में आपको कोई प्रॉपर्टी सेल बाय करनी हो, पीजे या रेंट पे चाहिए, तो कंपनी यहाँ पे आपको सेलर और बायर दोनों ढूंढ के देती है और दोनों के बीच में फेस टू फेस मीटिंग करवा देती है। फिर सातवा है हमारा अम्मा रेसिपी करके है। एक कंपनी का खुद का होममेड ब्रांड है और यहाँ पे आपको आचार और पापड़ मिलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना गुरु उद्योग वगैरह। तो ये कंपनी ने क्या है, नारी सशक्तिकरण के लिए गुरु उद्योग स्टार्ट किया हुआ है। फिर आठवा है हमारा न्यू वेदिका करके है। न्यू वेदिका को कंपनी ने 2005 में स्टार्ट किया हुआ है। कंपनी यहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो हमारी एनवी कंपनी अभी टोटल 8 सेगमेंट पे वर्क कर रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ लीगली डॉक्यूमेंट के बारे में। तो कंपनी के पास 10 नंबर, एमसीए नंबर, पेन नंबर, जीएसटी नंबर, एमएसएमएसई, फसाई, कंपनी के पास अभी आईएसओ का भी सर्टिफिकेट आ गया है। तो एक कंपनी चलाने के लिए जो भी सारे लीगली डॉक्यूमेंट होने चाहिए ना, वो सारे लीगली डॉक्यूमेंट हमारे कंपनी के पास अवेलेबल है। और कंपनी जो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन देती है ना, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, उसका भी कंपनी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देने वाली है। अब हम बात करते हैं हमसे आर डायमंड के बारे में। तो रॉयल डायमंड को कंपनी ने 1995 में स्टार्ट किया हुआ था और जानकी दर्शन कॉर्पोरेशन करके उसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और रॉयल डायमंड को अभी 25 साल पूरे हुए हैं और रॉयल डायमंड को अभी हमारे एनवी सूपी के साथ ज्वाइन कर लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं हमसे कंपनी के विजन और मिशन के बारे में, क्योंकि हमें कंपनी का विजन और मिशन तो मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपना करियर लगाने वाले हैं। हमारी एनवीसोपी कंपनी यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मार्केट में आ रही है, प्लस हमारी एनवीसोपी कंपनी फॉरेन कंट्री में भी लॉन्च होने जा रही है, उसकी अभी प्रोसेस चल रही है। और एनवीसोपी कंपनी का आने वाले 4 साल में टारगेट है कि पूरे पान इंडिया पर 2000+ फ्रेंचाइजी ओपन करने का और 10 करोड़ यूजर बनने का कंपनी का टारगेट है। और एनवीसोपी कंपनी का मेन मोटो यही है कि हर घर में रोजगारी पहुंचाने का, क्योंकि हर घर में सब लोग खाना तो खाते ही है ना, तो खाना खाने के साथ साथ हमें उसके घर में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है जहां से उसके घर में रोजगार जनरेट हो सके। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ लाइव सर्विसेज के बारे में। तो आप सब लोग यहाँ पे ऑल प्रीपेड और पोस्ट पर मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो और बिल पेमेंट भी कर सकते हो। और मैं बात करूँ हमसे मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज आप यहाँ पे करते हो ना, तो कंपनी आपको 1 से लेकर 1.5% तक का कैशबैक देती है। फिर हम बात करते हैं बिल पेमेंट के बारे में, जैसे लाइट का बिल है, गैस का बिल है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो उसकी आपको यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज मिलेगी, क्योंकि कंपनी को कैशबैक नहीं मिलता है तो कंपनी आपको भी कैशबैक नहीं देती है। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। तो कंपनी के पास ग्रोसरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड, पर्सनल केयर, क्लोथ्स एंड अपीयर्स, हेल्थ प्रोडक्ट, मेनी मोर प्रोडक्ट कंपनी के पास अवेलेबल है। मान लीजिए ना, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की सारी प्रोडक्ट कंपनी के पास अवेलेबल है। अभी आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी ये प्रोडक्ट तो हमें मिल रही है, पर ये कौन से ब्रांड की मिलने वाली है? तो अब हम बात करते हैं ब्रांड के बारे में। तो कंपनी के पास ऑल लीडिंग ब्रांड्स अवेलेबल, जैसे कि टाटा टी, अमूल, लिप्सन, कोको कोला, पीएनजी, आईटीसी, ब्रिटानिया, गोदरेज, टोप्स, पतंजलि, दावत, नेस्कैफे, सर्फ एक्सेल, डाबर, जो आपके बचपन से लेकर अभी तक जो भी ब्रांड की आप खरीदारी करते आ रहे हो ना, वो ही ब्रांड की प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आपको कोई ब्रांड चेंज करने की जरूरत नहीं है। और एक बात, मेरा आप सब लोगों से सिर्फ दो ही क्वेश्चन है कि भाई बचपन से लेकर अभी तक जो भी ब्रांड की आप खरीदारी करते आ रहे हो, तो आपके घर पर कभी पैसा आया नहीं ना? और एक बात कि आप अपने घर के आजू बाजू की दुकान से 10 या 15 साल कंटिन्यू शॉपिंग करते आ रहे हो, तो आपकी रेडी आपकी शॉपिंग कभी फ्री में हुई नहीं ना? तो आप हमारे एनवी शॉपिंग के साथ सिर्फ 2 से 2.5 साल जुड़े रहते हो,
आप हमारे एनवीसोपी के साथ सिर्फ 2 से 2.5 साल जुड़े रहते हो तो कंपनी आपको यहाँ पे शॉपिंग भी फ्री में करवाती है और आपको पैसा भी देती है, वो भी मैं आपको आगे प्रूव करके बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं एनवीसोपी मॉडल के बारे में। तो कंपनी यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मार्केट में आ रही है। ऑनलाइन जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है उसी तरह, ऑफलाइन जैसे बिग बाजार, वी मार्ट है, डी मार्ट है उसी तरह। और ये दोनों के पास क्या है, वो ही ब्रांड की प्रोडक्ट मिलती है जो आपके घर की बाजू की दुकान में मिलती है। फिर भी हम लोग क्या है, ये दोनों के पास शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, उसका तो सिर्फ 2 ही रीजन हो सकता है ना। सबसे पहला कि ये लोग हमें ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, और दूसरा एक ही छत के नीचे हमें क्या है, सारी ब्रांड की प्रोडक्ट मिल जाती है। इसके अलावा तो कोई तीसरा रीजन नहीं हो सकता ना। और ये दोनों के पास क्या है, परमानेंट कस्टमर नहीं होते हैं। ये क्या है, विदाउट परमानेंट कस्टमर का अमेजोन का 1 साल का टर्नओवर है 2 लाख करोड़ रुपए का, और बिग बाजार का टर्नओवर है 8,000 करोड़ रुपए का, वो भी आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। तो आप लोग जरा सोचो, ये दोनों के पास परमानेंट कस्टमर होते तो ये लोग 1 साल में कितना बिजनेस का टर्नओवर निकाल सकते हैं। तो हमारी एनवीसोपी कंपनी यहाँ पे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन प्लस परमानेंट कस्टमर के साथ हमसे मार्केट में आ रही है। कंपनी ने खुद की वेंडर एप्लीकेशन भी लॉन्च की हुई है। अभी वेंडर एप्लीकेशन से हमें क्या बेनिफिट होगा, तो आपके शहर या सिटी की जितने भी शॉप ओनर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, प्रोफेशनल, उन सब के साथ अभी कंपनी क्या टाइप करती जा रही है। तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप, रेस्टोरेंट, फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप, शू शॉप, सलून, क्लोथ्स वगैरह, ये सब के साथ कंपनी क्या है टाइप करती जा रही है। तो आप रेडी, ये आप अपने शहर या सिटी की जितने भी लोकल सर्विसेज है ना, वहाँ पे आप क्या शॉपिंग करने के लिए जाओगे ना, तो वहां से आपको कैशबैक भी मिलने वाला है और कंपनी आपको डिस्काउंट भी देने वाली है। और एक बार दूसरा बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए जैसे आप अभी बैठे हो दिल्ली में, ओके, और आपका कोई डाउनलाइन का मेंबर बैठा है गुजरात में, तो गुजरात के कोई सिटी की कोई होटल ने हमारे साथ टाइप किया हुआ है, ओके, और आपका डाउनलाइन मेंबर वहां पे लंच या डिनर के लिए जाता है, तो वो जो बिल पेमेंट करेंगे ना, वहां से भी कंपनी आपको पैसा देने वाली है। तो यहाँ से क्या होगा, कंपनी ने जितने भी सर्विसेज टाइप किया हुआ है ना, वहीं से आपके डाउनलाइन जो भी उसका यूज करेंगे ना, वहां से भी आपको पैसा मिलने वाला है। उसके बाद आप अपने शहर के जितने भी लोकल सर्विसेज है ना, उसे हमारे कंपनी के साथ टाइप करवाते हो, तो उनका जो मंथली टर्नओवर होगा ना, वहां से भी कंपनी आपको 1 से लेकर 1.5% तक का कमीशन दे रही है। नेक्स्ट, हमारी कंपनी की टोटल 32+ फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में अभी रनिंग में है, उसका आपको यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, जैसे मंडावली, दिल्ली, राजकोट, गुजरात, ग्रेटर नोएडा, यूपी, जहां जहां पे हमारी फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है उसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस हमारी वेबसाइट पे जाके आप सर्च करोगे ना कि फ्रेंचाइजी लिस्ट, तो वहां पे आपको फ्रेंचाइजी की लिस्ट मिल जाएगी शॉप ओनर और एड्रेस के साथ। और आने वाले टाइम में हमारी कंपनी की फ्रेंचाइजी कहाँ कहाँ ओपन होने वाली है, जैसे नॉर्थ सिल्स आसाम है, उदयपुर राजस्थान, गौतम बुद्ध नगर यूपी, शास्त्री नगर दिल्ली, कोलार कर्नाटक, लुधियाना पंजाब, पीमार कोटा राजस्थान, बारन राजस्थान, चित्रगुप्त नगर पटना, बिहार, गंजम, ओडिशा, ये सारे शॉप ओनर के साथ अभी हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। अभी ये क्या, कोरोना का टाइम चल रहा था ना, तो उसकी वजह से शॉप ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 से 1.5 महीने में ये सारे ये सब जगह पे हमारी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हाइपरटेन मार्केट के बारे में। तो हमारी कंपनी यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ ट्रेडिशनल मार्केट में भी आ रही है, और हमारी एनवीसोपी कंपनी उन सारे लोकल मैन्युफैक्चरर का वेलकम करती है जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है। अब ये सारे मैन्युफैक्चरर के साथ क्या होता है, उनकी कोई प्रोडक्ट है ना, वो बड़ी ब्रांड बन जाती है, और कोई प्रोडक्ट में दम होने के बावजूद भी वो क्या बड़ी ब्रांड नहीं बन पाती है। तो हमारी एनवीसोपी कंपनी उन सारे मैन्युफैक्चरर को बोलती है कि भाई आपके प्रोडक्ट में दम हो तो आप हमारे साथ टैप कीजिए और हम आपको प्रोडक्ट को बड़ी ब्रांड बनाकर दिखाते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी उसे क्या एक अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाली है। और ये सारे मैन्युफैक्चरर है ना, उसे उसी के ही डोमेन के साथ यहाँ पे जुड़ना है, उसे कोई डोमेन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखो हमारी एनवीसोपी कंपनी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, स्वीट शॉप, सोसाइटी इंटरेस्ट, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर, ये सब के साथ अभी क्या टाइप करती जा रही है। मैं कुछ होटल की बातचीत करूँ ना, तो शिमला और मनाली में अभी कुछ होटल के साथ अभी हमारा टाइप हो चुका है। तो जैसे आप ऑनलाइन होटल बुकिंग करते हो ना, मेक माई ट्रिप है या फिर गोआईबीओ है, तो उससे भी ज्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे होटल में ठहरने के लिए जाओगे तो वहां से भी आपको पैसा मिलने वाला है। रेस्टोरेंट में आप कैफे भी हमसे रेस्टोरेंट में आप खाने के लिए जाओगे तो वहां से भी आपको पैसा मिलने वाला है। कैफे में आप कॉफी पीने के लिए जाओगे तो वहां से भी आपको पैसा मिलने वाला है। तो हमारी एनवीसोपी कंपनी ने यहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की सारी प्रोडक्ट तो दे ही दी है, साथ में आपको सर्विसेज भी दे रही है। तो ये दोनों को कंपनी ने एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया हुआ है।
अब हम बात करते हैं जूनी के बारे में। आज आप कोई भी कंपनी के साथ जुड़ते हो तो वहां पे जूनी के कुछ ना कुछ पैकेज तो होते हैं ना। तो हमारी कंपनी में जूनी के टोटल 7 किट है। सबसे पहली किट है किट 1, ओनली शॉपिंग 400 PVT। आप अपने मनपसंद प्रोडक्ट की खरीदारी करते हो तो कंपनी में आपकी जूनिंग हो जाती है। अब ये 400 PVT एटले मान लीजिए ना 5 से 6 हजार रुपए की आपने खरीदारी कर ली ना, तो कंपनी में आपकी जूनिंग हो जाएगी। अब ये पीवी का फंडा क्या है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, ये है फॉर्च्यून कच्ची धनी का ऑयल है 5 लीटर का। उसकी MRP है 954 और हमसे DP प्राइस है 900 और NVSOP की प्राइस है 744 रुपये। कंपनी यहाँ पे आपको 70 PVT दे रही है। नेक्स्ट है टाटा प्रीमियम टी है, MRP है 397, DP प्राइस है 375 और NVSOP की प्राइस है 357। कंपनी यहाँ पे आपको 25 PVT दे रही है। नेक्स्ट है टाटा सोल्ट नमक है, MRP 20 रुपये, DP प्राइस 20 रुपये और NVSOP की प्राइस है 19 रुपये। कंपनी यहाँ पे आपको 1 PVT दे रही है। तो कंपनी ने यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट पर कुछ ना कुछ PVT फिक्स किए हुए हैं। आप अपने मनपसंद प्रोडक्ट की खरीदारी करते हो, जैसे ही 400 PVT हो जाएंगे ना तो कंपनी में आपकी जूनिंग हो जाती है। और एक बात, ये जो सारे प्रोडक्ट है ना उनके रेट्स आर वेरिएबल है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट क्या मार्केट के ही ब्रांड के लोकल प्रोडक्ट है ना। इसलिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जब ये हमारी PDF बनी हुई थी ना तब टाटा सोल्ट नमक की MRP चल रही थी 20 रुपये और अभी टाटा सोल्ट नमक की MRP चल रही है 22 रुपये। अभी देखो कंपनी में हमारी जॉइनिंग तो हो ही गया है, तो कंपनी इसके अलावा में कौन कौन से बेनिफिट देने वाली है। तो कंपनी हमें यहाँ पे क्या प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट देती है। पहला, यहाँ पे आपको 1 साल की मेंबरशिप मिल जाती है। 1 साल में आपने यहाँ पे क्या छोटा सा भी बिलिंग करवा लिया ना, मान लीजिए 10 रुपए की कोलगेट भी आपने यहाँ से ले लेना, तो आपकी मेंबरशिप रिन्यू हो जाती है। दूसरा, कंपनी यहाँ पे आपको 1 से लेकर 50% तक का डिस्काउंट दे रही है, वो भी प्रोडक्ट पे। तीसरा, कंपनी यहाँ पे आपको 1500 रुपए का अलग से डिस्काउंट वाउचर देने वाली है। और चौथा, आप जो ऑनलाइन बिल पेमेंट या रिचार्ज वगैरह करते हो ना वहाँ पे कंपनी आपको 1500 रुपए तक का कैशबैक देती है। तो ये जो प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट है ना वो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। मान लीजिए अभी आपको किट 1 पसंद नहीं आई है तो हमारे पास किट 2 है, 599 रुपए से जूनिंग है। कंपनी यहाँ पे आपको 400 PVT दे रही है और आपको प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी ने प्रोडक्ट पे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, ये हमारा 3 महीने का कोर्स है, कंपनी यहाँ पे आपको बेसिक इंग्लिश सिखाती है। दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, ये भी हमारा 3 महीने का कोर्स है, अभी ये ऑनलाइन कोर्स है। अभी ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या होता है, अभी देखो ये जो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वहाँ पे आपको बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है और वहाँ से लीड कैसे जनरेट करनी है ना, कंपनी उसके आपको 1000 तरीके सिखाती है। तीसरा है सैनिटरी पैड है, ये कंपनी ने क्या लेडीज अवेयरनेस के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे आपको एक्सेल साइज के 3 बॉक्स मिलते हैं, ये तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट पसंद करके आप कंपनी के साथ ज्वाइन हो सकते हो और ये प्रोडक्ट भी आपके घर पर फ्री डिलीवरी आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट की 3 है हमारी, 699 रुपए से ज्वाइनिंग है, कंपनी यहाँ पे आपको 400 PVT दे रही है और आपको प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट मिलता है। कंपनी प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे 500 ml का हैंड सैनिटाइज देती है और 25 3-लेयर मास्क, ये प्रोडक्ट भी आपके घर पर फ्री होम डिलीवरी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट की 4 है हमारी, 699 रुपए से जॉइनिंग है, कंपनी यहाँ पे आपको 400 PVT दे रही है और आपको प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट मिलता है। कंपनी प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे प्लान होल्डर किट देती है। जैसे अभी मैं आपको PDF से प्लान शो करा हूँ ना, वही PDF को कंपनी ने क्या किया है, एक अच्छे से बुक में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। इससे बेनिफिट क्या होगा, आप जिसे भी प्लान शो करना चाहोगे ना उसे आप अच्छी तरह से प्लान शो कर सकते हो। नेक्स्ट किट 5 है हमारी, 799 रुपए से जॉइनिंग है, कंपनी यहाँ पे आपको 400 PVT दे रही है और आपको प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे टी शर्ट देती है, वो भी NVSOP के लोगो वाली। आपको यहाँ पे जो भी साइज की टी शर्ट चाहिए ना वो साइज की टी शर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वो भी फ्री होम डिलीवरी। नेक्स्ट किट 6 है हमारी, 1199 रुपए से जॉइनिंग है, कंपनी यहाँ पे आपको 400 PVT दे रही है और आपको प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट मिलता है। कंपनी ने प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है बॉडी केयर पाउडर है, ये कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और ये हर्बल प्रोडक्ट है। दूसरा है बेल्ट, कंपनी यहाँ पे आपको लेदर कंपनी का बेल्ट प्रोवाइड करवाती है। और तीसरा है सैनिटरी पैड, यहाँ पे आपको एक्सेल साइज के 5 बॉक्स मिलने वाले हैं। ये तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट पसंद करके कंपनी के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो और ये प्रोडक्ट भी आपके घर पर फ्री होम डिलीवरी आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट किट 7 है हमारी, 1299 रुपए से जूनी है, कंपनी यहाँ पे आपको 400 PVT दे रही है और आपको प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट मिलता है। ये हमारी प्रमोशन किट है, कंपनी यहाँ पे आपको 2 टी शर्ट देती है, एक आपको प्लान फोल्डर बुक मिलने वाली है और एक आपको पेन मिलेगी, ये प्रोडक्ट भी आपके घर पर फ्री होम डिलीवरी आपको मिल जाएगी। तो हमारी NVSOP कंपनी में
ज्वाइनिंग के लिए टोटल 7 किट है, 7 में से कोई भी एक किट से आप कंपनी के साथ जुड़ सकते हो और लाइफ टाइम में आपको एक ही बार ज्वाइनिंग करनी है। अभी देखो कंपनी में हमारा ज्वाइनिंग तो हो ही गया है, तो कंपनी हमें पैसा कैसे देती है, क्योंकि हम सब लोग तो यहाँ पे क्या विटामिन एम के लिए ही आए हुए ना, मनी पैसा के लिए। तो कंपनी हमें यहाँ पे 11 टाइप्स ऑफ इनकम देती है, सेल्फ परचेसिंग प्रॉफिट, रेफर बोनस, मैचिंग बोनस, टीम रिपर्चेस बोनस, यूजर प्रमोशन बोनस, कार फंड, हाउस फंड, रॉयल्टी बोनस, पेंशन फंड एंड परफॉर्मेंस, फ्रेंचाइजी बोनस एंड वेंडर ऐप, लास्ट में कंपनी आपको देती है बोनचा। अभी ये सारी इनकम मैं आपको 1 by 1 डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है सेल्फ रिपर्चेस इनकम। आप लोग यहाँ पे खुद की खरीदारी करते हो ना, तो आपको प्रोडक्ट की एमआरपी पे 1 से लेकर 50% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। दूसरा है हमारा रेफर इनकम है। आप लोग यहाँ पे किसी ना किसी को तो रेफर करोगे ना, जिसे हम बोलते हैं मेंबर ज्वाइन करने का। मान लीजिए अभी आपने मेरे को ही ज्वाइन किया है, मैं फिर कोई भी पैकेज से ज्वाइन होता हूँ, जैसे 599, 699, 799, कोई भी पैकेज से XYZ से, तो कंपनी आपको रेफर इनकम देती है 200 रुपये। मतलब यहाँ पे आपको पर मेंबर का 200 रुपये मिलने वाला है और आप लोग यहाँ पे अनलिमिटेड मेंबर ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात, आप लोग यहाँ पे सबसे पहले जो 2 मेंबर ज्वाइन करोगे ना, उनकी जो रेफर इनकम है ना 200 + 200 = 400 रुपये, वो कंपनी क्या होल्ड करके रखती है और आपकी एंट्री हो जाती है बोनस पूल इनकम में। जैसे ही तीसरा मेंबर ज्वाइन करोगे, वहां से कंपनी आपको 200 रुपये देना स्टार्ट कर देती है। तीसरी इनकम है हमारी मैचिंग बोनस है। अब ये मैचिंग बोनस का फंडा क्या है, मान लीजिए अभी आपने ज्वाइनिंग किया, लेफ्ट हैंड साइड आप ए मेंबर को ज्वाइन करते हो, राइट हैंड साइड आप बी मेंबर को ज्वाइन करते हो, तभी आपकी एक पेयर बनती है और कंपनी आपको एक पेयर का 40 रुपये देती है। फिर सुनो, ये जो ए मेंबर है उसने भी उसके डाउन में 1 मेंबर को ज्वाइन किया और ये बी मेंबर है उसने भी उसके डाउन में 1 मेंबर को ज्वाइन किया, तभी भी आपकी एक पेयर बनेगी और कंपनी आपको एक पेयर का 40 रुपये देती है। तो आपने यहाँ पे क्या है 8 से 10 लोगों की टीम बनने वाली, फिर आपकी टीम वर्किंग करेगी ना, तो वहां से भी ये मैचिंग बोनस मिलने वाला है। और एक बार यहाँ पे फर्स्ट पेयर की जो कंडीशन है 1:2 या 2:1 का रेशियो है, आफ्टर डेट आपको 1:1 के रेशियो से 40 रुपये मिलने वाला है। और कंपनी ने यहाँ पे मैचिंग बोनस में कैपिंग भी रखी हुई है, पर डे की पर आईडी पे कैपिंग है 1500 रुपये की। तो आप लोग यहाँ पे मंथली से टीम बना के भी क्या है 45,000 रुपये अर्न कर सकते हो। चौथी इनकम है हमारी टीम रिपर्चेस इनकम है। आप लोग यहाँ पे टीम तो बनाने वाले हो, फिर आपकी टीम भी यहाँ से क्या अपने जरूरत के हिसाब से सामान की खरीदारी करेंगी ना, तो वहीं से भी कंपनी आपको पैसा देती है। तो हमारी कंपनी ने रिपर्चेस इनकम 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। पहले लेवल में आपको 0.5% का कमीशन मिलता है, दूसरे लेवल में आपको 0.5% का कमीशन मिलता है, तीसरे लेवल में आपको 0.5% का कमीशन मिलता है। उसी तरह 1 से 16 लेवल तक कंपनी आपको 0.5% का कमीशन देती है और ये जो लास्ट का चाला हुआ है ना 17, 18, 19, 20 वहां पे कंपनी आपको 1-1% का कमीशन देती है। अभी आपके दिमाग में ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग भाई थोड़ी नहीं यहाँ पे 0.5% या 1% पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो मैं आपको हमारी रिपर्चेस इनकम के पावर के बारे में बताता हूँ। अभी देखो आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया, आपने सिर्फ 2 ही लोगों को ज्वाइन किया, तो पहले लेवल में आपकी टीम साइज होती है 2 लोगों की, फिर वो 2 लोगों ने 2-2 मेंबर को ही ज्वाइन किया, तो दूसरे लेवल में आपकी टीम साइज होगी 4 मेंबर की, फिर वो 4 मेंबर ने 2-2 लोगों को ज्वाइन किया, तो तीसरे लेवल में आपकी टीम साइज होती है 8 मेंबर की। तो आपकी टीम यहाँ पे हम 2 और हमारा 2 की तरह आगे बढ़ती है, तो 20 लेवल तक जो भी आपकी टीम बनती है ना, वो कंपनी ने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दी हुई है। हम सिर्फ बात करते हैं लास्ट के 4 लेवल की। ये जो लास्ट के 4 लेवल है ना 17, 18, 19, 20, तो ये लास्ट के 4 लेवल के आप टोटल करोगे ना, तो आपकी टोटल टीम साइज होती है 19,66,080। अभी देखो ये जो 19,66,080 मेंबर ने सिर्फ 2,000 रुपये की खरीदारी की, रेडी, कितने की 2,000 रुपये की खरीदारी की, तो आपका यहाँ पे बिजनेस का टर्नओवर कितना होगा 393,21,60,000 रुपये। तो एक जो क्या बड़े से बड़ा मॉल होगा ना, उनसे भी कई गुना ज्यादा आपका बिजनेस का टर्नओवर हो जाएगा। और कंपनी आपको पैसा कितना देती है, ये जो 393,21,60,000 है ना, उनका 1%, तो आपको यहाँ पे इनकम होती है 3,93,21,600 रुपये। कंपनी तो आपको करोड़ों में पैसा दे रही है और ये पैसा आपको हजम नहीं हो रहा होगा ना, क्योंकि ये पैसा तो आपको करोड़ों में आ रहा है ना। और एक बात, ये टीम रिपर्चेस इनकम है ना, ये हमारी स्टेबल इनकम है, ये इनकम कभी गिरने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी के पास मार्केट के ही लोकल ब्रांड की जो भी है ना प्रोडक्ट मिलने वाली है। और दूसरा, हर घर में सब लोग खाना तो खाते हैं ना, और जब तक सब लोग खाना खाएंगे ना तब तक ये रिपर्चेस इनकम आपको मिलती रहेगी। फिर 5वीं इनकम है हमारी यूजर प्रमोशन बोनस इनकम। अब ये यूजर प्रमोशन बोनस इनकम है, ये क्या जादू की छड़ी की तरह वर्क करती है।
जो भी मुर्दा आदमी होता है ना उसे भी ये क्या नया जीवन दे देती है। और एक बात अभी देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो बोनस पूल का स्ट्रक्चर है ना ये कंपनी चलाती है और आप जो टीम बनाते हो ना वो स्ट्रक्चर आप चलाते हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये जो बोनस पूल का स्ट्रक्चर है ना ये कंपनी चलाती है और आप जो टीम बनाते हो ना वो स्ट्रक्चर आप चलाते हो। अब ये बोनस पूल का कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर देती है तो वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कंपनी में जो भी ग्लोबली ज्वाइनिंग लगेगी ना उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर आपके डाउन में मेंबर ज्वाइन करता है और आपको ये बोनस पूल का पैसा मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कंपनी में जो भी ग्लोबली ज्वाइनिंग लगेगी उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर आपके डाउन में मेंबर लगाता है और आपको बोनस पूल का पैसा मिलने वाला है। और हमारी जो दूसरी इनकम थी रेफर इनकम, वहां पे मैंने बोला हुआ था ना कि आप जो सबसे पहले दो दो मेंबर लगाते हो तो उनके रेफर इनकम 200 प्लस 200 400 रुपए है वो कंपनी काट लेती है, तो वो कंपनी यहाँ पे 400 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। यहाँ पे टीम लिखी हुई है 2x40 4x40 8x40 16x40, तो ये जो 40 40 40 40 50 70 120 है ना इसका टोटल करोगे ना तो 400 रुपए हो जाएगा। तो कंपनी आपके डाउन में दो मेंबर लगाती है, वो दो मेंबर आपको 40 रुपए देंगे तो आपको इनकम होती है 80 रुपए। कंपनी आपके डाउन में चार मेंबर लगाती है, वो चार मेंबर आपको 40 रुपए देंगे तो आपको इनकम होगी 160 रुपए। कंपनी आपके डाउन में आठ मेंबर लगाती है, वो आठ मेंबर आपको 40 रुपए देंगे तो आपको इनकम होती है 320 रुपए। उसी तरह कंपनी आपके डाउन में 16 मेंबर 32 मेंबर 64 मेंबर 128 मेंबर लगाती है और आपको इनकम होती है 640 1600 4480 और 15360 रुपये। एक कुल मिला के इनकम होती है 22640 रुपये। कंपनी फिर से क्या करेगी, ये जो 22640 रुपये है ना उनमें से नेक्स्ट पूल के लिए 2000 रुपये काट लेती है और आपकी एंट्री हो जाएगी बोनस पूल टू में। अभी जो कंपनी ने यहाँ पे 2000 रुपये काटा था ना वो कंपनी यहाँ पे 7 लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। ये जो है ना 2x200 4x200 8x200 16x200 फिर जो 200 400 600 है ना इसका टोटल करोगे ना तो 2000 रुपये हो जाएगा और आपको यहाँ पे इनकम मिलती है 400 800 1600 3200 कुल मिला के इनकम होती है 114800 रुपये। कंपनी फिर से क्या करेगी, ये जो 114800 रुपये है ना उनमें से नेक्स्ट पूल के लिए कंपनी 10000 रुपये काट लेती है और आपकी एंट्री हो जाएगी बोनस पूल तीन में। अभी जो कंपनी ने यहाँ पे 10000 रुपये काटा ना वो कंपनी यहाँ पे 7 लाख डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है और आपको इनकम होती है 1200 2400 5600 12800 एक कुल मिला के इनकम होती है 7,42,000 रुपये। कंपनी फिर से क्या करेगी, ये जो 7,42,000 रुपये है ना उनमें से नेक्स्ट पूल के लिए 50,000 रुपये काट लेती है और आपकी एंट्री हो जाएगी बोनस पूल चार में। अभी जो कंपनी ने यहाँ पे हमसे 50,000 रुपये काटा था ना वो 7 लाख में डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है और आपको इनकम होती है 4000 8000 16000 32000 एक कुल मिला के इनकम होती है 42,84,000 रुपये। कंपनी फिर से क्या करेगी, ये जो 42,84,000 रुपये है ना उनमें से नेक्स्ट पूल के लिए 2 लाख रुपये काट लेती है और आपकी एंट्री हो जाती है बोनस पूल फाइव में। अभी जो कंपनी ने यहाँ पे 2 लाख रुपये काटा था ना वो कंपनी यहाँ पे 7 लाख में डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है और आपको इनकम होती है 20,000 40,000 80,000 एक कुल मिला के इनकम होती है 1,07,60,000 रुपये। कंपनी फिर से क्या करेगी, ये जो 1,60,60,000 रुपये है ना उनमें से नेक्स्ट पूल के लिए 5 लाख रुपये काट लेती है और आपकी एंट्री हो जाएगी बोनस पूल सिक्स में। अभी जो कंपनी ने यहाँ पे 5 लाख रुपये काटा था ना वो कंपनी यहाँ पे 7 लाख में डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है और आपको इनकम होती है 40,000 80,000 1,60,000 रुपये एक कुल मिला के इनकम होती है 4,01,20,000 रुपये। तो हमारे बोनस पूल की टोटल इनकम होती है 6 करोड़ रुपये। अभी ये पैसा भी आपको हजम नहीं हो रहा होगा क्योंकि कंपनी तो आपको करोड़ों में पैसा दे रही है और एक बार कंपनी अपनी जेब में से चौनी देने वाली नहीं है, आप ही का जो पैसा था रेडी वही पैसा को कंपनी ने क्या किया, आप सब के बीच में कैलकुलेशन बेस करके डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। और आपके दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मार्केट में तो बहुत सारी बोनस पूल वाली कंपनियां थी वो तो लॉन्ग टर्म चली नहीं, वो तो 3-4-5-6 महीने में बंद हो गई, तो हमारी कंपनी में ऐसी कौन सी खास चीज है कि हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म भी चलेगी और हमें ये बोनस पूल का पैसा भी मिलने वाला है। तो मार्केट में जो सारी बोनस पूल वाली कंपनियां थी ना वो सारी क्या क्राउड फंडिंग वाली थी और हमारी कंपनी क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अभी देखो ये है हमारा बोनस पूल वन है, बोनस पूल वन में कंपनी आपको छठे लेवल में 4,480 रुपये देती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बोनस पूल वन में छठवें लेवल में कंपनी आपको पैसा देती है 4,480 रुपये। उसके बाजू में लिखा हुआ है प्रीवन 400। अब ये प्रीवन 400 का मीनिंग क्या होता है, जब आपको छठे लेवल में कंपनी 4,480 रुपये देती है उनमें से कंपनी चुपके से 400 रुपये काट लेगी, बाकी का पैसा आपको दे दिया, आप ही के नाम की बोनस पूल में री एंट्री लगा देगी।
जब 7 डॉलर में कंपनी आपको 15,360 रुपये देती है, कंपनी चुपके से वहां से 400 रुपये काट लेगी, बाकी का पैसा आपको दे दिया, आप ही के नाम की बोनस पूल में दूसरी गारंटी लगा देगी। उसी तरह बोनस पूल टू में तो कंपनी ने क्या 5वें लेवल से ही गारंटी लगाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। 5वें लेवल में आपकी 1 गारंटी लगती है, 6वें लेवल में आपकी 3 गारंटी लगती है, 7वें लेवल में आपकी 5 गारंटी लगती है। तो आपकी जो मेन आईडी है ना, बोनस पूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट करती है ना, तब तक आपकी 300+ गारंटी बोनस पूल में लग जाती है। अभी आप सब लोग थोड़ा दिमाग लगाओ कि एक मेंबर है वो क्या 300 गारंटी छोड़ कर जाता है। ओके, तो हमारी कंपनी बाहर से जो नहीं ज्यादा आए या कम आए, कंपनी उस पर डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि अंदर ही इतनी सारी रेंट लगेगी ना, वहीं से ही सबका बोनस पूल का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हुआ था कि आपके यहाँ पे शॉपिंग भी फ्री में होती है, वो कैसे? अभी देखो ये है बोनस पूल वन हमारा, तो बोनस पूल वन में कंपनी आपको देती है 22,640 रुपये। अब ये 22,640 रुपये का 10% निकालोगे तो कितना होगा? 2200 रुपये होगा ना। तो 2200 रुपए की आपको यहाँ पे कंपलसरी खरीदारी करनी है, वो भी आपका मनपसंद प्रोडक्ट की। अब ये आप जो फ्री में रिपर्चेसिंग करवाते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अभी देखो बोनस पूल वन का पहला किस्त 80 रुपए, जब आपको 80 रुपए मिलते हैं ना, कंपनी उसमें से 10% 8 रुपए आपके परचेस ऑर्डर में डाल देगी, बाकी का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर दूसरा किस्त आपको मिलता है 160 रुपए, तो 160 रुपए का 10% 16 रुपए कंपनी आपके परचेस ऑर्डर में डाल देगी, बाकी का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। उसी तरह 320, 640, 1600, 4000, 4800, 15360, ये जो भी पैसा मिलेगा ना, उनका 10% कंपनी आपके परचेस ऑर्डर में डाल देगी, बाकी का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। नेक्स्ट बोनस पूल टू है हमारा 1,14,000 रुपए का, तो 1,14,000 रुपए का 10% निकालोगे तो 11,000 रुपए होगा ना। 11,000 रुपए की आपको यहाँ पे कंपलसरी शॉपिंग ही करनी है, वो भी आपके मनपसंद प्रोडक्ट की। उसी तरह बोनस पूल तीन है हमारा 7,42,000 रुपए का, तो 7,42,000 रुपए का आप 10% निकालोगे तो 70 लाख रुपए होगा ना। 70 लाख रुपए की आपको यहाँ पे कंपलसरी शॉपिंग ही करनी है, वो भी आपके मनपसंद प्रोडक्ट की। तो उसी तरह बोनस पूल 4, 5, 6 में जो भी आपको पैसा मिलेगा ना, उनके 10% की आपको यहाँ पे कंपलसरी खरीदारी करनी है। अभी आप सब लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, ओके, कि आपकी मेन आईडी है बोनस पूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट करती है, तब तक आपके बोनस पूल में 300+ रेंटी लग जाती है। अभी देखो ये जो 300+ रेंटी लगेगी ना, उसका भी आपको फिर से बोनस पूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 का पैसा आने वाला है। तो आपको यहाँ पे कितना पैसा आएगा, और जो भी पैसा आएगा ना, उनके 10% की आपको यहाँ पे कंपलसरी खरीदारी करनी है। तो आप सब लोग यहाँ पे पैसे गिनते गिनते ही थक जाओगे और शॉपिंग करते करते ही थक जाओगे। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे आपको लग्जरी फंड भी देती है, जैसे कार फंड है, हाउस फंड है। अभी देखो आपके यहाँ पे 10,000 पेयर मैच होती है, तो कंपनी आपको कार फंड देती है 25 लाख रुपए का। अभी देखो कंपनी ने आपको गाड़ी तो दे ही दी हुई है, तो गाड़ी रखने के लिए आपको घर भी चाहिए ना, तो आपके यहाँ पे 30,000 पेयर मैच होती है, तो कंपनी आपको गाड़ी देती है 1 करोड़ रुपए की। और मजे की बात क्या है, हमारे कंपनी में जो भी मेंबर ज्वाइन होगा ना, उन सबको गाड़ी और हाउस तो मिलने वाला है, क्योंकि ये कार फंड और हाउस फंड में कंपनी ने क्या टाइम लिमिट नहीं रखी हुई है। मान लीजिए अभी आपने ज्वाइन किया, 5 साल बाद आपकी 10,000 पे मैच होगी, तो 5 साल बाद आपको कार्ड मिलने वाला है। 10 साल बाद आपकी 30,000 पे मैच होगी, तो 10 साल बाद आपको हाउस फंड मिलने वाला है। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे आपको पेंशन फंड भी देती है। अभी आप सब लोगों को मालूम है हमारी गवर्नमेंट ने 2004 से पेंशन देना बंद कर दिया हुआ है, तो हमारी कंपनी ने आपको पेंशन देना स्टार्ट कर दिया हुआ है। 9 साल में आपकी 5 लाख पे मैच होती है, तो आपकी पेंशन फंड में एंट्री हो जाती है और कंपनी आपको पेंशन फंड देना स्टार्ट कर देती है। कंपनी अपने प्रॉफिट में से 5% पेंशन फंड के लिए निकालती है। जितने भी पेंशन फंड अचीवर है ना, उन सब के बीच में कंपनी क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। नेक्स्ट नोवा है हमारा, रॉयल्टी इनकम है। अभी हमारी कंपनी यहाँ पे आपको रॉयल्टी इनकम भी दे रही है। आप सब लोगों को मालूम होगा रॉयल्टी इनकम सिर्फ किसे मिलती है, साइंटिस्ट है, राइटर है, सिंगर को ही मिलती है ना, तो हमारी कंपनी आपको यहाँ पे रॉयल्टी इनकम भी देने वाली है। वो कैसे, 1 साल में आपकी टीम ने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, तो आपकी स्टार्टअप में क्लब एंट्री हो जाती है, कंपनी प्रॉफिट का आपको यहाँ पे 5% मिलता है। 2 साल में आपकी टीम ने 5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, तो रूबी डायमंड क्लब में आपकी एंट्री हो जाती है, कंपनी प्रॉफिट का आपको यहाँ पे 5% मिलता है। 4 साल में आपकी टीम ने 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, तो गोल्ड डायमंड क्लब में आपकी एंट्री हो जाती है, कंपनी प्रॉफिट का आपको यहाँ पे 5% मिलता है।
अभी मैं आपको हमारी कंपनी की जो रॉयल्टी इनकम है ना, उनका मेन यूएसपी के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए अभी आपने ज्वाइनिंग किया, एक साल में आपकी टीम ने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, तो आपकी स्टार डायमंड क्लब में एंट्री हो गई और कंपनी प्रॉफिट का आपको यहाँ पे 5% मिलता है। मान लीजिए दूसरे साल आपकी टीम ने सिर्फ 70 लाख रुपए का ही बिजनेस किया ना, तभी भी आपको स्टार डायमंड क्लब की रॉयल्टी इनकम मिलने वाली है। क्योंकि रॉयल्टी इनकम किसे बोलते हैं, हमें लाइफ टाइम पैसा मिलता रहा है। तो हमारी कंपनी का यहाँ पे मेन प्लस पॉइंट है कि आपने यहाँ पे एक बार रॉयल्टी इनकम का टारगेट हिट कर लिया, उसके बाद आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी इनकम मिलने वाली है। नेक्स्ट ये है रैंक और अचीवमेंट है। आप सब लोग यहाँ पे वर्किंग करते हो तो कंपनी आपका मान सम्मान का भी ख्याल रखती है। वो कैसे, आपके यहाँ पे 500 पेयर मैच होगी तो आप सिल्वर स्टार बन जाते हो, आपके यहाँ पे 2000 पेयर मैच होगी तो आप गोल्ड स्टार बन जाते हो, आपके यहाँ पे 5000 पेयर मैच होगी तो आप गोल्ड स्टार बन जाते हो, आपके यहाँ पे 20000 पेयर मैच होगी तो आप डायमंड स्टार बन जाते हो, आपके यहाँ पे 50000 पेयर मैच होगी तो आप डबल डायमंड बन जाते हो, आपके यहाँ पे 1.5 लाख पेयर मैच होगी तो आप क्राउन बन जाते हो, आपके यहाँ पे 5 लाख पेयर मैच होगी तो आप क्राउन एमएसएल बन जाते हो। नेक्स्ट फ्रेंचाइजी बोनस है। अभी मान लीजिए आपके रेफर में कोई मेंबर ने या कोई बंदा ने फ्रेंचाइजी ओपन की, तो फ्रेंचाइजी का जो रेफर बोनस है ना 3%, वो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा वन टाइम के लिए। और दूसरा जो शॉप ओनर है उसे हर महीने जो भी प्रॉफिट होता है ना, वहां से उसके प्रॉफिट से कंपनी आपको 0.3% वो लाइफ टाइम देने वाली है। तो आप लोग यहाँ पे शॉपी भी ओपन करोगे ना, वहीं से भी आपको पैसा मिलने वाला है। लास्ट है हमारा बोनजा है। कंपनी यहाँ पे बोनजा भी चलाती है, वीकली मंथली और ईयरली। अभी एक हमारा बोनजा चल रहा है कि एक साल में आपकी 50000 पेयर मैच हो जाती है तो कंपनी आपको 25 लाख रुपए की गाड़ी देती है, वो भी फ्री में। नेक्स्ट ये है हमारी कंपनी का अकाउंट नंबर है, IDFC बैंक है। ज्वाइनिंग के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, आप फिर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से ट्रांसफर कर सकते हो। हमारी कंपनी में आईडी ऑन द स्पॉट एक्टिवेशन होता है, कोई रेड एंट्री नहीं लगती है। नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन, वैसे तो मैंने आपको सारी टर्म एंड कंडीशन बता ही दी हुई है, मैं सिर्फ दो ही टर्म एंड कंडीशन पे फोकस करता हूँ। सबसे पहला, आप यहाँ पे कोई भी पैकेज से ज्वाइन करते हो तो बोनस पूल में एंट्री लेने के लिए आपको 2 मेंबर लगाना कंपल्सरी है। मान लीजिए आप 2 मेंबर लगाना नहीं चाहते तो आप अपने ही नाम की खुद की दुआड़ी लगा दोगे ना, तभी भी चलेगा। और दूसरा पे आउट के बारे में, कंपनी यहाँ पे आपको डेली का डेली पे आउट देती है, वो भी ऑटो विड्रो, आपको विड्रो लगाने की जरूरत नहीं है। मिनिमम 200 रुपए का है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। कंपनी यहाँ पे 10% डिडक्शन करती है, 5% TDS चार्ज और 5% एडमिन चार्ज है। नेक्स्ट अभी ये है बिल गेट्स है। बिल गेट्स को तो आप सब लोग पहचानते हो ना, तो एक बार बिल गेट्स ने इंटरव्यू में बोला हुआ था, इफ आई विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज अ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको थोड़ा हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ कि भाई मैं मेरी जिंदगी की नए तरीके से शुरुआत करूंगा ना, तो मैं क्या नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद करूंगा। अभी आप सब लोग जरा दिमाग लगाओ अपना कि ये बिल गेट्स है, वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में उसका नेम आता है। अभी ये बंदा भी बोलता है कि भाई मैं मेरी जिंदगी की नई तरीके से शुरुआत करूंगा ना, तो मैं भी क्या नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद करूंगा। तो मुझे और आप सब लोगों को अपनी लाइफ में एक बार तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। तो मैं मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अभी किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप रे सेंड करके पूछ सकते हो वन बाय वन। हेलो हेलो पूजा मैडम, आपने अभी माइक अनम्यूट किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हेलो पूजा मैडम, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हेलो पूजा मैडम, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, आपने अपना माइक अभी अनम्यूट किया हुआ है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं तिलक सर के पास। हेलो तिलक सर, आपने अभी रेसेंट किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए तिलक सर। सर मुझे वो जाना था, जैसे कि हमने आपने बताया था लास्ट टाइम मीटिंग में कि हम अपनी वेबसाइट जब विजिट करते हैं www.mdcopy.com तो वहाँ पे हमको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि अगर हम किसी का अपने बड़े लीडर का कॉन्टेक्ट नंबर चाहते हैं जो कि वेंडर ऐप के लिए हो, या फिर
कोई क्वेरी हो तो या फिर लोकेशन हो जो कि आपका स्टोर है उसके लिए भी है ना, तो मैंने वो करके देखा है। तो मुझे वहाँ पे मैंने पहले 3-4 ऑप्शन खोले, उन सब में लॉगिन आईडी वाला ही खुला है ना। एक और खोला तो उसमें एनवी शॉपी की सारी डिटेल लिखी हुई थी, पर वहाँ पे कोई कहीं भी ना ये डिटेल नहीं आई कि भाई ऐसा कोई सर्च करो जहाँ पे आपको पता लगे आपके नियर में स्टोर कहाँ पे है ना। तो मुझे अपने नियर में ना स्टोर का पता करना है कि जैसे कि मेरे लीडर ने मुझे बोला था कि आपके कैंट, क्योंकि तो मेरे यहाँ से करीब 12 किलोमीटर है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वहाँ पे एक स्टोर खुलने वाला है, तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि भाई एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसका, क्योंकि मैं कहीं भी भटकता नहीं ना रह सकता। ओके ओके, और आप कहाँ से बोल रहे हो तिलक सर? जलंधर पंजाब से। हाँ, तो अभी पंजाब में शॉपी ओपन होने वाले ऐसा है, अरे वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे जो बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव शॉपी अपकमिंग, तो उसका वहाँ पे आपको सिर्फ क्या है नेम दिया हुआ होता है, तो जलंधर में फ्रेंचाइजी ओपन होने वाली। ओके, जैसे ही क्या एग्रीमेंट सब कुछ कंप्लीट हो जाता है ना, पेमेंट वगैरह की प्रोसेस, फिर वहाँ पे एड्रेस वगैरह आ जाता है, ऐसा है। तो उसके लिए आपने बोला था कि नंबर देंगे, मुझे वो नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, कुछ मुझे तो मिला नहीं। एक मिनट आप चालू ही रखिए, मैं आपको लाइव ही अभी क्या वेबसाइट ओपन करके बताता हूँ, एक मिनट आप चालू रखिए। दो मिनट, अभी वेबसाइट लोड हो रही है। अभी अभी आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन अच्छी तरह से दिखाई दे रही है ना? हाँ जी सर। ओके, चलो अभी मैंने ये वेबसाइट ओपन की एनी शॉपी हमारी कंपनी की। ओके, यहाँ पे देखो ये है टोल फ्री नंबर है, वेंडर लिस्ट, जो भी वेंडर लिस्ट से टाइप हुआ है ना उसका लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, फिर ये फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी पे क्लिक करोगे ना तो फ्रेंचाइजी डिटेल, जहाँ पे शॉपी ओपन हो गई है या फिर ओपन होने वाली है उसका भी आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा। ओके, फिर हम बातचीत करते हैं नंबर के बारे में। तो देखो ये है हमारा, ये हमारा एड्रेस है, मैं थोड़ा ऊपर आ, एक मिनट, बहुत ज्यादा ऊपर आ गया। ये है हमारी कंपनी का एड्रेस है, हेड ऑफिस C54 श्रीराम चौक मंडावली। फिर दूसरा हमारी जो बोलते हैं ना बिजनेस ऑफिस, उसका एड्रेस है। फिर लास्ट में हमारा टोल फ्री नंबर है, फिर टीम हेल्पलाइन नंबर। ओके, आपको कोई आईडी वगैरह लगवाना हो, वहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे पूछ सकते हो ये नंबर से। फिर ये है हमारा कूरियर नंबर है। ओके, उसके बाद है हमारा फ्रेंचाइजी और हमसे प्रोडक्ट इंक्वायरी। तो ये जो फ्रेंचाइजी वाला नंबर है ना हमसे तिलक सर, वहां से आप क्या करना, वेंडर का भी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे ये जो नंबर है ना वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। हेलो तिलक सर, तो आपने देख लिया ना सर जी सब कुछ? हाँ जी, हाँ जी सर, देख लिया मैं। ओके, तो वहाँ पे क्या करना, आप हमारी वेबसाइट है ना उसके एक बार विजिट कर लेना, तो वहाँ से आपको सारा नंबर वगैरह मिल जाएगा, अभी मैंने आपको सारा बता ही दिया। ओके, अच्छा ऐसा था कि जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग ले लूँ जो फ्री वाला आता है ना। क्या क्या फिर से बोलिए? प्रोडक्ट परचेज करके ज्वाइनिंग होती है ना फर्स्ट। हाँ, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बताओ। हाँ, सर जी कॉल आ गया था एक बीच में।
कोई बात नहीं, बताओ बताओ। कि जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप है ना कि हम 4,000 से 6,000 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमारी जॉइनिंग फ्री हो जाती है, है ना। तो जैसे कि मैंने वो करना था, तो अभी जो हमारा स्टोर है यहाँ पे नजदीक में, वो कोई टाइम टेबल नहीं है कि मतलब कब तक खुलेगा, है ना सर। तो मैं क्या ऐसे ही मतलब अपना अकाउंट ओपन करके, अकाउंट लगा के ज्वाइनिंग डाल सकता हूँ, क्योंकि जब भी स्टोर आएगा हम वहाँ से सामान परचेज कर लेंगे, या फिर कोई वो प्लान ही लेना पड़ेगा। नहीं अभी देखो, ये जो किट वन है ना, ये किसके लिए है, जहाँ पे फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है, ओके, वो ही बंदा क्या किट वन से ज्वाइनिंग कर सकेगा। बाकी अभी आपको ज्वाइनिंग करना हो ना, तो हमारा जो दूसरे किट है ना, 599, 699, 799, 1199, 1299, 1299, उनसे अभी आप क्या कीजिए, ज्वाइनिंग कर लीजिए। वहां पे जो प्रोडक्ट मिलती है ना, वो आपको फ्री होम डिलीवरी आपके घर पर मिल जाएगी, फिर आप क्या वर्क स्टार्ट कर देना चाहे, ओके। जैसे ही आपके वहाँ पे शॉपी ओपन हो जाएंगे ना, उसके बाद आप वहाँ पे क्या खरीदारी कर सकोगे। अच्छा, ये जो मैं 599 से अकाउंट ओपन कराता हूँ, तो वो जो 1500 का रीपर्चेज इनकम है, तो कूपन वो भी मिलता है। हाँ वो भी मिलेगा ना, जब आपके यहाँ पे शॉपी ओपन हो जाएगी, फिर आप 1500 रुपए की खरीदारी कर लेना, और आपको यहाँ पे 1500 रुपए का कैशबैक मिलता है ना, ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज करते हो ना वहाँ पे, तो वो तो क्या आपको, वो तो आपने ज्वाइनिंग लगा लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे ही आप क्या है रिचार्ज वगैरह कर लेना, तो वहां से कैशबैक भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपके यहाँ पे शॉपी ओपन हो जाए, फिर ये जो 1500 रुपए का डिस्काउंट वाउचर है, उसका भी आप बेनिफिट ले लेना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं मलंदर सर के पास। हेलो मलंदर सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए मलंदर सर। सर मेरा तो बेंडर और एप्स के लिए रजिस्टर हुआ था, लेकिन मेरा मिसेस का नाम से ही किया था हमने। हाँ, तो पासवर्ड वगैरह लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए हमने आज कॉल किया था हेल्पलाइन में कॉल किया था। हेलो, तो रिसीव नहीं किया है, तो मैंने पासवर्ड चेक करने के लिए कॉल किया था, लेकिन हम शुरुआत नहीं कर पाया, इसलिए क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन अभी पासवर्ड थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए पासवर्ड नंबर को पूछने के लिए हमने कॉल किया था सर। अभी क्या कीजिए, वो मान लीजिए ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है ना, वो हमसे फ्रेंचाइजी वाला वहाँ पे नंबर है ना, वहाँ पे मान लीजिए वो फोन रिसीव नहीं करते, तो कभी कभार क्या ट्रैफिक वगैरह ज्यादा होती है फ्रेंचाइजी इंक्वायरी के लिए, तो आप क्या कीजिए, उसका जो व्हाट्सअप नंबर है ना, व्हाट्सअप में आप अपना नेम रेडी और आईडी नंबर और आपकी जो डिटेल है ना, वो उसे सेंड कर दीजिए, तो वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ऐसा है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं हमसे बर्जू सर के पास। हेलो बर्जू सर, आपने रेसेंड किया हुआ है। हेलो ज्वाला सिंह जी, हेलो मिस्टर ज्वाला सिंह जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर जी। सर ज्वाला सिंह पंत बत्रवास से एमपी से बोल रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बोलिए 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 सर जी। अभी ज्वाइनिंग ली है और मैंने 2 ज्वाइनिंग लगवा भी चुका हूँ। वेरी गुड। और मैं चाह रहा हूँ सर, हमारे एमपी में शुक्री जिले के अंदर सॉफ्टी यहाँ निकालें, उसके लिए सर अपना मतलब सॉफ्टी जो सामने वाला निकालेगा बंदा। ज्वाला सर, सर जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी बच्चों की आवाज ज्यादा आ रही है, ऐसा है। मैं जी बोल रहा था सर। हाँ जी सर, अभी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, ऑल क्लियर, बताओ सर जी। जी बोल रहा था मैं जिसे सॉफ्टी निकालना है, तो सॉफ्टी वाले बंदे को क्या प्रॉफिट मिलेगा?
सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, हमारे फ्रेंचाइजी का दो, हमसे दो मॉडल है, एक 7.5 लाख रुपए वाला है और एक 16.5 लाख रुपए वाला। ओके, तो 7.5 लाख रुपए में क्या है, कंपनी आपको 4.5 लाख रुपए का डीपी माल सामान देती है, उसकी एमआरपी से आपको 15 से लेकर 20% तक का कमीशन मिलने वाला है। सोपी वाले को क्या होगा, कम से कम 15 से 20% तक का कमीशन मिलने वाला है, उसका टर्नओवर पैसा है। सर मैं जी चाह रहा हूँ, जैसे व्यक्ति शॉपी खोलता है तो मैंने सुना था सर के द्वारा, उसको जैसे फर्नीचर वगैरह कंप्यूटर वगैरह जी क्या अपनी जो शॉप है वो अवेलेबल कराती है, हाँ या ना? उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको 7.5 लाख रुपए वाली शॉपी लेनी हो ना, तो आपका शॉप का एरिया होना चाहिए मिनिमम 300 स्क्वायर फुट का। ओके, फिर 7.5 लाख रुपए में क्या है, 4.5 लाख रुपए का कंपनी आपको डीपी का माल सामान देती है, और 3 लाख रुपए बचे ना बाकी के रेडी, वहां पे कंपनी आपको पूरा क्या सेटअप कर देती है, जैसे जैसे फर्नीचर है, प्रिंटर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो हमसे बोर्ड वगैरह होते हैं ना वो सब कुछ, और आपके एरिया में वो क्या पब्लिसिटी भी करवा देती है। तो सेटअप का पूरा खर्चा जो है ना कंपनी ये क्या 3 लाख रुपए से करती है, ऐसा है। तो सामने वाले कंपनी 3 लाख का देती है, तो इसमें सामने वाले बंदे का तो 7.5 लाख रुपए जा रहा है ना उसका? नहीं आप समझे नहीं, 7.5 लाख रुपए जाएगा, 7.5 लाख रुपए चले नहीं गए, उसे तो क्या करना है, सिर्फ शॉप है ना वही देनी। ओके, तो शॉप में कंपनी सारा फर्नीचर वगैरह तो सेटअप लगा देगी ना, प्रिंटर है, फिर वो हमसे सॉफ्टवेयर का खर्चा आएगा, फिर वो ट्रॉली वगैरह है, वो सब कुछ कंपनी आपको देगी ना, और वो भी क्या बिल के साथ देगी ना कि आपके दुकान में कौन कौन सी चीज वगैरह आई है ना, ऐसा। थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा, जैसे 7.5 लाख रुपए का में से 4 लाख रुपए का सामान देगी, बाकी का आपको फर्नीचर लगवा देगी कंपनी। यहाँ पे क्या 7.5 लाख रुपए है ना, उनमें से 4.5 लाख रुपए का आपको माल सामान देगी। ओके, बाकी के जो 3 लाख बचे ना, 3 लाख में कंपनी क्या करेगी, आपके शॉप में क्या फर्नीचर लगवा देगी, फिर प्रिंटर है, कंप्यूटर है, कंपनी का सॉफ्टवेयर आता है, फिर वो ट्रॉली वगैरह आती है, फिर वो बाहर जो होर्डिंग्स वगैरह आते हैं ना, बोर्ड वगैरह सब कुछ रेडी, वो सेटअप कंपनी पूरा आपको रेडी करके देगी, ऐसा है। वो तो सर आपने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले बंदे का तो 7.5 जा रहे हैं, मात्र 4 लाख का सामान मिल रहा है, तो वो सामने वाला क्यों रखेगा सिस्टम को? नहीं आप समझे नहीं, वो चाह कहाँ रहे 7.5 लाख रुपए, उसने क्या एनयूसीपी वहाँ पे स्टार्ट की। ओके, तो उसे यहाँ पे क्या है एनयूसीपी के कस्टमर तो मिलेंगे ना, लोकल कस्टमर और एनयूसीपी के कस्टमर, और उस रेडी, और वो जो क्या है हर महीने उसका जो सेलिंग होगा वहाँ से उसे 15 से 20% तक का कमीशन तो मिलने ही वाला है ना। और मान लीजिए उसने वहाँ पे जिस एरिया में शॉपी ओपन की उसके 6 किलोमीटर की रेडियस में और कोई दूसरी शॉपी नहीं ओपन होगी ना। जी सर, मैंने हालांकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी काम कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम कर चुका हूँ, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वैसे भी सामने वाले को जो परसेंट आप बोल रहे हो तो हर एक कंपनी वाला देता है, क्या क्या 5% से लेके नहीं 25% तक का डिस्काउंट जो कंपनी वाले आते हैं जो तो वो लोग भी उन्हें देते हैं, तो अपनी शॉपी को बंदा सामने वाला रखने क्यों इच्छुक होगा? मैं ये चाह रहा हूँ शॉपी ओपन कराना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए उसे कुछ बेनिफिट होना चाहिए सामने वाले को। तो बेनिफिट तो सिंपल सा है ना कि भाई आप शॉपी ओपन कर रहे हो, क्या उसके 6 किलोमीटर की रेडियस में अदर कोई शॉपी ओपन नहीं होगी ना एनी शॉपी की। अभी आप देखो 6 किलोमीटर की रेडियस में कितने मेंबर आ जाएंगे, और कंपनी आपको यहाँ पे क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कस्टमर देने वाली है ना। और दूसरी बात, हमारी कंपनी में क्या है मार्केट के ही लोकल ब्रांड के प्रोडक्ट है, तो उसे क्या कस्टमर ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। अभी मान लीजिए आप ही हो, ओके, आप अभी कोई सुपरमार्केट अभी ओपन करते हो, तो आपको क्या कस्टमर की वेट करनी पड़ेगी ना, या फिर कस्टमर ढूंढने जाने पड़ेगा ना, तो आप हमारे एनयूसीपी का क्या है सुपरमार्केट ओपन करते हो, ओके, एनयूसीपी की फ्रेंचाइजी, तो आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कंपनी ही आपको क्या है कस्टमर ढूंढ के दे देगी, ऐसा है। आपको कस्टमर क्या है ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक यहाँ से कंपनी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कस्टमर दे देगी, ऐसा है जी। और इसमें ये बेनिफिट भी मिलेगा कि मतलब जैसे सामने वाले का किराया वगैरह कुछ सिस्टम इसमें है क्या? नहीं है? नहीं 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 कि आपको रेंट है ना वो आपको देना पड़ेगा, ओके, और जो लाइट बिल वगैरह है वो भी आपको देना पड़ेगा, ऐसा है। इसमें कुछ बंदे वगैरह कुछ
कुछ बंदे मिलेंगे या बिल्कुल केवल? अभी देखो यहाँ पे क्या आपकी शॉप का रेंट है या फिर लाइट बिल है या फिर जो हमसे एक से दो आपके बंदे रखते हो ना, उन सब का खर्चा आपको देना पड़ेगा ऐसा है। और मान लीजिए आप जो यहाँ पे अभी 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, वो एक से डेढ़ साल में आपका रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बर्जू सर के पास। हेलो बर्जू सर, आपने रेशन किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हेलो बर्जू सर, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। बाकी के जितने भी मेंबर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। चलो अभी यहाँ पे किसी का रेशन हो नहीं रहा है तो मुझे लग रहा है सबका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग ये जूम सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सब लोगों को गुड नाइट और शुभ रात्रि। कल शाम को 9 बजे फिर से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है? क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर, बताओ सर। सर मुझे थोड़ा वेंडर ऐप के डिटेल्स थोड़ा बताइए। हेलो वेंडर का मैं जो वहाँ पे वेबसाइट पे हमारा जो नंबर है ना वेंडर जो फ्रेंचाइजी का, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। कैसे हमको लेना है और उसका क्या वेंडर मुझे कैसे लेनी है और उसमें क्या क्या बेनिफिट हो थोड़ा बताइए। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप कोई वेंडर या सुपरमार्केट वाले को हमारे साथ टाइप करवाते हो क्या, तो उनका जो मंथली टर्नओवर होगा ना वहाँ से आपको क्या 1 से लेकर 1.5% तक का कमीशन मिलने वाला होगा, ये आपका बेनिफिट हो गया। अभी वेंडर रेडी जो आपने सुपरमार्केट वाले को हमारे साथ टाइप करवाया उससे क्या बेनिफिट होगा, तो मान लीजिए कोई सुपरमार्केट वाला हमारे साथ ज्वाइन होता है तो उसके कस्टमर है ना रेडी, उससे क्या कस्टमर ज्यादा मिलेंगे, तो हमारी कंपनी उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कस्टमर प्रोवाइड करेगी, तो उसका जो मंथली जो भी बिजनेस होता है ना रेडी उसमें क्या फास्ट ग्रोथ रहेगी ऐसा है। ओके, बाकी जो कमीशन वगैरह का जो होता है ना कितना कमीशन देना पड़ेगा वो सब कुछ, वो क्या है आपको कंपनी के साथ हमसे डीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा वेंडर और फ्रेंचाइजी का डिपार्टमेंट अलग से होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या सुपरमार्केट वाला होता है या फिर कोई कपड़े वाला होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाला होता है, सब में कमीशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए ऐसा है। सर ग्रोसरी, जैसे ग्रोसरी वाला कोई है तो आपसे मैंने वेंडर में जुड़ना चाहता है तो फिर उसको कितना मैंने आपको देना पड़ेगा या कितना उनको मिलेगा, थोड़ा सा बताइए डिटेल्स। नहीं वो डिटेल वो कंपनी बताएगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप सुपरमार्केट जुड़ना चाहते हो ना तो उसका एक सबसे पहले आपको क्या वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर वो वीडियो है ना हमारी वेबसाइट पे आप जाओगे ना वहाँ पे फ्रेंचाइजी का जो नंबर है रेडी वहाँ पे आप एक बार कॉल कर लेना, फ्रेंचाइजी का डिपार्टमेंट हमारा फातिमा मैडम हैंडल करती है। अच्छा वेंडर और फ्रेंचाइजी दोनों फातिमा मैडम, वो फातिमा मैडम हैंडल करती है, तो आप उनसे कॉल कर लेना, जो आपने सुपरमार्केट का वीडियो है ना उसे सेंड करने का है, वो ही आपको सारी डिटेल बता देगी। ओके ओके चलिए, ओके थैंक यू। चलो नेक्स्ट, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो रेशन करके पूछ सकते हो। चलो हम ये जूम सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं, 10 बज चुके हैं। आप सब लोगों को गुड नाइट और शुभ रात्रि। कल शाम को फिर से 9 बजे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं।